स्ट्रॉ में ऐसी लाइन क्यों होती हैं और कैसे इस आदमी के बस खून से 22 लाख बच्चों की जान बच गई और कैंडल ज्यादातर व्हाइट कलर की क्यों होती हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 10, इस फोटो को ध्यान से देखो, ये हिमालय के मानसरोवर का है और अगर आप यहाँ पानी में खड़े रहोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि मैं पानी में खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पानी इतना ज्यादा क्लियर है। नंबर 9, भाग मिल्खा भाग मूवी को इंडिया की सबसे ज्यादा सेकुलर मूवी कहा जाता है, क्योंकि इस मूवी को एक हिंदू व्यक्ति ने बनाया है और ये एक सिख व्यक्ति की बायोपिक है और इसमें एक्टिंग करने वाले लोग मुस्लिम हैं, जिनको एक क्रिश्चियन व्यक्ति ने ट्रेनिंग दी थी। नंबर 8, इस आदमी के खून से 22 लाख बच्चों की जान बच गई। जेम्स हैरिसन नाम के इस आदमी का ब्लड बहुत ही ज्यादा रेयर है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा ब्लड डोनेट करते हैं। इनके ब्लड में एक खास तरीके का एंटीबॉडी मिलता है, जिसकी वजह से बच्चों की बीमारी एक ही बार में ठीक हो जाती है, इसलिए इन्होंने 50 साल की उम्र में 1000 से भी ज्यादा बार ब्लड डोनेट किया है। इनके लिए एक लाइक तो बनता है। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नंबर 7, आपको इस बात को जानकर बिलीव नहीं होगा कि आपके आंखों पर अगर पट्टा लगा दिया जाए तो आप स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल पाओगे। आप थोड़ी देर तक तो सीधे लाइन में चलोगे, लेकिन कुछ समय बाद आप एक सर्कल में घूमने लग जाओगे। नंबर 6, आपको बिलीव नहीं होगा कि इंसानों की तरह तेंदुए भी नशा करना पसंद करते हैं। वो कई बार अपने फ्री टाइम में ऐसा करते हैं। दरअसल वो एक खास तरीके के प्लांट को ढूंढते हैं और उन जड़ों को बाइट करके उन जड़ों से एक टाइप का लिक्विड पीते हैं, जिससे उन्हें नशा जैसा फील होता है। नंबर 5, अगर आप खुश होते टाइम म्यूजिक सुनते हो तो उस टाइम आपको बहुत मजा आता है और आप उस टाइम म्यूजिक के लिरिक्स में ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप दुखी हो और अगर उस टाइम पे आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको उस म्यूजिक के लिरिक्स समझ आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए हमें दुखी होने में म्यूजिक के लिरिक्स समझ आते हैं। नंबर 4, आपने ये देखा होगा कि जो कैंडल होती है वो पहले मोस्टली व्हाइट कलर की आती थी, तो आखिर कैंडल का कलर व्हाइट ही क्यों होता है? दरअसल कैंडल को बनाने में पैराफिन नाम का एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कैंडल को जलने में मदद करता है और इस केमिकल की वजह से कैंडल का कलर व्हाइट होता है। नंबर 3, एक सर्वे के हिसाब से अमेरिका में हर रोज 100 एकड़ से भी ज्यादा पिज्जा खाया जाता है और एनुअली यहाँ के लोग 21,000 करोड़ के पिज्जा खा जाते हैं और यही रीजन है कि आपको हर जगह अमेरिका में पिज्जा की दुकान देखने को मिल जाएगी। नंबर 2, अमेरिका में एक लुना सोसाइटी है जिन्होंने सुशांत मुंडे मनाया था। ये सोसाइटी और सुशांत सिंह राजपूत के कनेक्शन बहुत अच्छे थे, इसलिए इन्होंने 21 जनवरी को इंटरनेशनल सुशांत डे मनाया था और 21 जनवरी को ही इनका जन्म हुआ था। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त आप में से कई सारे लोगों ने स्ट्रॉ में इन लाइंस को जरूर देखा होगा, तो आखिर इनका काम क्या होता है? दरअसल पहले बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रॉ आते थे और अगर आज भी आप सस्ते स्ट्रॉ खरीदोगे तो आपको ये लाइन देखने को नहीं मिलेंगी और इन लाइन का सिंपल सा काम है आपको फंक्शन देना, यानी कि स्ट्रेट स्ट्रॉ में आपको स्ट्रेट रहकर ही कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ेगा। वहीं पर ये लाइंस वाली स्ट्रॉ आराम से किसी भी एंगल पर मुड़ जाती है। आपको नहीं पता होगा कि इन स्ट्रॉ में इन लाइंस को बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी तो पता होना चाहिए कि आप कितने कूल वीडियोस देखते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।